आज के आरोग्य सभा में हम दो ऐसे विराट गुणों से भरपूर औषधीय पौधे को लेकर के आए हैं, जो सदियों से, सृष्टि के आदिकाल से ये हमारे बीच में हमारे परिवार की तरह रहता आया है। हमारे दाहिने हाथ में है गिलोय। क्या नाम है इसका? गिलोय। क्या नाम है इसका? गिलोय। और बाएं हाथ में अर्जुन। अर्जुन। क्या नाम है इसका? अर्जुन। एक हाथ में गिलोय और एक हाथ में अर्जुन। जब दोनों हाथों में या हमारे जीवन में इसको अपनाएंगे तो कभी किसी प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित नहीं होंगे। बारी बारी से हम बताते हैं, ये है गिलोय। आपके गांव में पेड़ पर, नीम पर, शीशम पर कहीं कहीं आपको चढ़ा हुआ दिख जाएगा। अब इसका मोटा जो ये जो लतर होता है, मोटा हो जाए उंगली के बराबर, तो एक बीता तोड़ लेंगे, धोकर चबा चबा करके इसको हम उसका रस पान कर जाएंगे, या उसको कूट करके, कूच करके और एक गिलास पानी में डालेंगे और खोला करके छान के पी जाएंगे। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार, लिकोरिया से लेकर के धातु रोग से लेकर के बांझपन, नपुंसकता से लेकर के और गठिया, साइटिका से लेकर के गैस, कब्ज से लेकर के लकवा और कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों को भी यह दूर कर देता है, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय। क्या नाम है इसका? गिलोय। इसको हर घर में लगाना है, गमले में और पूरे छत पे लगा दीजिए और चार दीवारी में लगाइए। ये पान के पत्ते जैसा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है, इसको अमृता भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता है। और इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत हो जाए वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। दूसरा, धीरे धीरे साफ भरते रहेंगे। दूसरा पौधा लेकर के आए हैं अर्जुन। क्या नाम है इसका? अर्जुन। अर्जुन देखे आप लोग? हाँ। आप ही के गांव के काली माई के मंदिर के बगल में है, नहीं तो रोड किनारे मिल जाएगा। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है गांव में तो इसके अर्जुन के पेड़ के छिलके को ले आइए, छाल को, और खौला करके उसको रोज पिला दीजिए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, दम फूल रहा है, सांसों की समस्याएं हैं, हार्ट ब्लॉकेज है, उनको अर्जुन के पेड़ का छाल, यानी कहुआ भी इसको कहते हैं, कहुआ के पेड़ का छाल का आप दूध में पका करके पिला देते हैं तो हृदय संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, से भाग जाता है। समझ गए? तो आइए इन दोनों पौधों के बारे में हम इसके अमूल्य गुणों के बारे में समझने का प्रयास किए और प्रतिदिन आप इसके बारे में भी लोगों को बताना है, ताकि जो नहीं जान रहे हैं उनके भीतर भी इसके बारे में अनुभव, जानकारी मिले। तो ये जो जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और ये जो दिव्य आत्माएं बैठी हैं, ये देश के कर्णधार हैं, ये भारत माता के भविष्य हैं। इन भविष्यों के भीतर जो संस्कार पनपेगा, जो संस्कृति, जो विचार उत्पन्न होगा, वही भारत का भविष्य होगा, वही भारत का चरित्र होगा। तो आइए हमारे साथ एक संकल्प लेंगे, बोलिए मैं एक व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मेरे द्वारा बोला गया कोई शब्द, किया गया आचरण केवल मुझे ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र, पूरे भारत, पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं, रोज योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सत्य बोलेंगे, शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, खुले में शौचालय नहीं करेंगे। हम लोगों को खुले में शौच नहीं करना है। शौच कहाँ करना है? शौचालय में करना है। हाँ, जिनका शौचालय नहीं है वो अपने गांव के मुखिया जी से, सरपंच से, वीडियो से मिलकर के शौचालय तुरंत बनवा लेंगे। तो सबको शौच कहाँ करना है? शौचालय में करना है। गाय का दूध पीना है, हरी सब्जी खानी है, रात को 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे जगना है
और एक घंटा योग करना है, समझ गए? और अपने जो हमारे बोलिए मैं अपने अपने आदर्श महापुरुषों राम कृष्ण बुद्ध महावीर लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती के आदर्श जीवन चरित्र को अपनाकर हम भी एक अच्छे इंसान बनेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे वंदे।